शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। महापौर संदीप जोशी ने आयुक्त तुकाराम मुंडे पर फिर एक बार वार कर स्मार्ट सिटी डायरेक्टर पद पर एक खुलासा किया है। संदीप जोशी ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बीडीओ की बैठक आगामी 10 तारीख को होने जा रही है। इस बैठक के एजेंडे में एक विषय ये है कि मुंडे डायरेक्टर पद पर नियुक्त करने पर चर्चा। जोशी ने कहा कि बैठक में ये विषय अब आ रहा है तो मुंडे साहब ने जो निर्णय और पेमेंट डायरेक्टर पद पर होने का कहते हुए किए हैं उसका क्या, ये सवाल महापौर ने खड़ा किया है। वारंवार स्मार्ट सिटीच्या व्यवहारामध्ये मी वारंवार म्हणत होतो की सन्माननीय आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी नियमबाह्य काम केलेलं आहे, कायद्याला तोडून मरोडून त्यांनी त्याचा वापर केलेला आहे हे मी नियम नेहमीच म्हणत होतो। त्याच्यावरती कधी मला लिखित स्वरूपात दिला आहे, कधी मला फोन करून सांगितलं आहे, अशा पद्धतीचे कारण वारंवार तुकाराम मुंडे साहेब देत होते आणि मी परवापासून 3 दिवस झाले मीडियाला सांगत होतो की बघा केलेल्या चुका रेक्टिफाय करण्यासाठी हे लवकरच BOD ची मीटिंग बोलवते आणि ही BOD ची मीटिंग काल कॉल केलेली। मी वारंवार म्हणत होतो की एखाद्या व्यक्ती एवढं खोटं बोलण्याचं मागचं कारण काय, किती दिशाभूल करायची नागपूरकर जनतेची। तर हा BOD चा अजेंडा आता निघाला आणि या BOD च्या अजेंड्यातलं 5 नंबर मी वाचतो आहे। हे 5 नंबर काय म्हणतं, टू डिस्कस कन्सिडर अँड अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यूली अपॉइंटेड ऑनरेबल म्युनिसिपल कमिश्नर। महापौर संदीप जोशी ने एक और खुलासा किया है कि 10 तारीख के होने वाले बैठक में मैं शामिल ना हो इसकी भी व्यवस्था की जा रही है, मगर इस बैठक में मैं उपस्थित रहूंगा।